हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक साल की बच्ची के लिए समर ड्रेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम घेर का नाप निकालेंगे। ये मैंने घेर के लिए हम ये कपड़े यूज करेंगे। घेर लेंगे हम तैयार 10 इंच, 1 इंच फोल्डिंग के लिए। 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने घेर के लिए निशान बनाया। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में पेपर सॉरी कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई ली हमने 17 इंच। इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई 17 इंच ली और इसकी लेंथ ली हमने 11 इंच। अब हम बॉडी का मेजरमेंट निकालेंगे। बॉडी के लिए मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। इसे हम फोर फोल्ड करेंगे। यहां से हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच पे यहाँ निशान लगाया हमने और इसकी लेंथ ली हमने 6 इंच और इसकी चौड़ाई भी लेंगे हम 6 इंच। नेक की चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच। शोल्डर लेंगे 4 इंच। आर्म होल लेंगे हम 3.5 इंच। इस तरह से 2 इंच पे नेक की लेंथ लेंगे हम। ऐसे थोड़ा शोल्डर उतर देंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से इसे कट करेंगे। दोनों नेक सेम लेंगे हम। इस तरह से ये हमने सेमीज का कपड़ा लिया है। सेमी से डबल फोल्ड करेंगे और इसे भी हम इसके हाफ लेंगे। बॉडी के यहाँ से हाफ लेंगे और इसे कट करेंगे। इस तरह से अब इसके लिए यहाँ पे हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमने जो घेर वाला कपड़ा है उसका लिया है। तो इस तरह से ये डबल पट्टी है और उसको हमने फोर फोल्ड किया है। उसके साइज लेंगे हम 4.5 इंच। और उसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच। इस तरह से हमने इसको लेना है और इसे कट करेंगे। इस तरह से बेल्ट होगा। यहाँ पे हम पॉकेट निकालेंगे दो। यहाँ से सीधी लाइन देंगे और यहाँ से राउंड शेप देंगे। दो पॉकेट निकालेंगे। आप चाहे तो ये निकाल सकते हो। मैं यहाँ डबल निकाल रही हूँ।
इस तरह से इसे हम यहाँ से सिलाई देके इसको फोल्ड करेंगे, बाद में हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे एंड ड्रेस के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से ड्रेस की कटिंग तैयार है। पहले हमने जो बेल्ट निकाली इन्हें इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। इन्हें हम इस तरह से सीधा करेंगे। इन्हें हमने सीधा कर लिया है। ये अभी सिलाई हमें सेंटर में इस तरह से रखनी है जो हम इस तरह से बेल्ट ज्वाइन करेंगे। अब हम बॉडी ज्वाइन करेंगे। ये हमने बॉडी का पार्ट लिया है। यहाँ पे हम ये राइट साइड और ये जो छोटा वाला पीस कट किया था हमने, इसका राइट साइड और राइट साइड इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के यहाँ पे हम इसे इस तरह से रखेंगे और सिलाई देंगे। गले की तरफ थोड़ा कट लगाएंगे आर्म होल में और नेक में। अब हम बॉडी का दूसरा पार्ट लेंगे, इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे हम।
अभी से हमने सिल लिया है। अब हम दूसरे साइड में बॉडी के दूसरे साइड में ये जो छोटा वाला पीस है इसको हम इस तरह से ये राइट साइड में रखेंगे और ये बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और जो बॉडी का मेन पार्ट है ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसे हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। दूसरा वाला बेल्ट यहाँ रखेंगे। अब इन्हें थोड़ा कट लगाएंगे। इन्हें सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इनके ऊपर हमें एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इन्हें सिलाई लगा दिए। अब हम पॉकेट को यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ से, और इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे गोले एक तरह हम थोड़ा कट लगाएंगे। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस पॉकेट को फ्रंट साइड के जो घेर है उसके ऊपर हम इसे जॉइन करेंगे। इसे हम इस तरह फोल्ड करके इस तरह एक साइड में लगेंगे, और ये मेरे पास लेस है, इसे मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। पहले पॉकेट को इसे लेस को अटैच कर लूँगी, बाद में इसे इसके ऊपर एक यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अभी से हम यहाँ फ्रंट साइड में इसे जॉइन करेंगे, इसे ऊपर की ओर से सिलाई लगाएंगे।
तरह हमने ये पॉकेट ज्वाइन कर लिया है। अब हम घेर के नीचे की बॉटम की ओर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने दोनों बॉटम की ओर हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे बॉडी को। अब हम घेर को ये बॉडी के हिसाब से ज्वाइन करेंगे। पहले हम इसका घेर का सेंटर निकालेंगे। इस बॉडी का भी हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमने सेंटर निकाला है इस तरह से। तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे। वो जो कपड़ा बच जाएगा उसे हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फिर सिलाई लगेंगे। अब इसे पिनअप भी कर सकते हैं। पहले अब हम इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ से। इसके लिए हम ये राइट साइड पे बॉडी का राइट साइड रख के इसे सिलाई लगेंगे इस तरह से। अब हम फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब बैक साइड का पार्ट ज्वाइन करेंगे। बैक साइड के लिए हम ये राइट साइड पे ये राइट साइड रखेंगे इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी हम इसमें जित बॉडी के हिसाब से हम दो चार इधर यहाँ पे प्लेट डालेंगे। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे। अब हम दोनों पार्ट ज्वाइन कर लेंगे।
जो अंदर वाला हमने जो बॉडी का जो छोटा सा भाग लिया था इसे हम इसे उठाएंगे इस तरह से वैसे सिले देंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। दूसरे साइड से हम उसी तरह करेंगे। इस तरह से फ्रॉक तैयार है। मैंने फ्रंट साइड में बटन लगाया है। ये 1 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।